देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। वेतन वृद्धि की मांग एवं निजीकरण के विरोध में बीएसएनएल के सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहे। आपको बता दें कि भारत सरकार रिलायंस को सभी टावर अलॉट करने जा रही है, जिससे बीएसएनएल का भी निजीकरण हो जाएगा। इसका विरोध जताते हुए आज भारतवर्ष के सभी बीएसएनएल कर्मचारी हड़ताल पर रहे। साथ ही इनकी मांग वेतन को लेकर भी थी। आज के दिन की हड़ताल इन्हीं दो मांगों को लेकर थी, पहला तो वेतन वृद्धि और दूसरा निजीकरण को रोका जाए। बैठे वाले खड़े होकर के अब उसकी ले लो। हाँ नमस्कार। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, अभी तो हाल इसलिए है कि केंद्रीय वेतन मान 2001-2016 से गवर्नमेंट ने उनको सेंट्रल वालों को दे दिया, उसी एक्ट में हम भी आते हैं। हमारा ये निर्धारण हुआ था कि 1/1/17 से देना है। जो वेतनमान अभी आज दिनांक तक गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही, उसके विरोध में, वेतन के विरोध में आज हमारे CSQ दिल्ली के आह्वान पर स्ट्राइक कॉल की गई है। उसके तहत पूरे SSA में समस्त एसोसिएशन और समस्त यूनियंस पूरी जो है तो एकत्र होकर के आज स्ट्राइक कर रही है। मतलब पूरा भारतवर्ष BSNL का बंद है आज। इसके तहत दो सूत्री मांग है, एक वेतन का, दूसरा मतलब जो है तो टावर कंपनी मुकेश अंबानी को दे रहे हैं निजीकरण में, उसके विरोध में भी हमारा हाथ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज शुरू किया वस्त्रदान कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत कॉलेज प्रांगण में दो बॉक्स रखे गए हैं। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र कॉलेज में आने वाले सभी छात्रों से निवेदन करेंगे कि वे अपने पास पुराने कपड़े हों वह इस डब्बे में डाल दें, ताकि यहां से इकट्ठा किए हुए कपड़े उन गरीब छात्र छात्राओं को मुहैया कराए जा सके जिनके पास ठंड गुजारने के लिए भी कपड़े नहीं है। हाँ मुझे पता है। अरे भैया सही तो है ना, सब रुकना। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं ने वस्त्र दान करके जो गरीब छात्र हैं, जो बच्चे हैं जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, अभाविप ने एक अभियान चलाया है, जो लगातार छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक एक अभियान चलेगा, जिसमें हम सभी कार्यकर्ता सभी जो कॉलेज में आ रहे छात्रों से निवेदन कर रहे हैं कि वो उनके पास जो पुराने कपड़े रखे हुए हैं वो आकर इस बॉक्स में डालें। उसके बाद हम लोग 2-3 दिन में जितने भी कपड़े इकट्ठे होंगे वो हम गरीब छात्रों में बांटेंगे। बार काउंसिल के सदस्यों ने आज कोर्ट परिसर में नहीं होने दिया कोई कार्य। आपको बता दें कि विगत दिनों भोपाल पेट्रोल पंप पर एक वकील जो कि अपनी यूनिफॉर्म में थे, उन्हें कुछ बदमाशों ने गंभीर रूप से मारपिटाई कर घायल कर दिया, जिसके विरोध स्वरूप आज गुना न्यायालय के सभी अधिवक्ता इकट्ठे होकर हड़ताल पर गए। साथ ही इनकी मांग थी कि जल्दी एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉ बनाया जाए, ताकि आए दिन जिन विषम परिस्थितियों से अधिवक्ताओं को गुजरना पड़ता है उससे निजात मिल सके। कहाँ हो गया, कहाँ आएगा, क्या हो गया, वकीलों की कल वकीलों वाली खबर। भोपाल के पेट्रोल पंप पर वकील साहब पूरी यूनिफॉर्म में थे, उनके साथ कुछ बदमाशों ने आकर मारपीट की, इससे उनको खून भी निकल आया। मारपीट इतनी गंभीर थी तो लगातार वकीलों के साथ मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में अपराधियों द्वारा घटना की जा रही है।
उससे व्यवसाय करना वकीलों के लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तो हमारी एक लंबे समय से मांग है कि जज प्रोटेक्शन वकीलों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू किया जाए। तो ये प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो सरकार को बनाना है, तो उस संबंध में हम कई बार मांग कर चुके हैं। तो फिर से हम उस जो घटना हुई उसको लेकर और प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर आज सभी लोग पूरे मध्य प्रदेश में जो है कार से अपने बरत। रात लगभग 3 बजे एक खड़ी बस में ट्रैक्टर ने मार दी टक्कर, जिससे बस में काफी नुकसान भी हुआ। बताया जा रहा है कि रात के समय जब बस ड्राइवर क्लीनर बस में सो रहे थे, तभी अचानक पीछे से तेज गति से आते हुए ट्रैक्टर जिसमें सोयाबीन भरी हुई थी ने बस में टक्कर मार दी। हालांकि ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया है। एक तरफ तो लोग सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वहीं ग्राम हरिपुर के एक युवक ने एक अलग ही मिसाल पेश की। हरिपुर निवासी सुभाष, जिसका नाम बीपीएल सूची में था, उसे कटवाने के लिए आज जन सुनवाई में पहुंचा। हालांकि इससे पहले भी वह कई बार अधिकारियों से अपना नाम गरीबी रेखा से हटवाने के लिए कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुका है। जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो वह आज जन सुनवाई में पहुंच गया। मुझे गरीब रेखा से नाम कटवाने के लिए आया हूँ। मेरा नाम गरीब रेखा में था, लेकिन मैंने कार्यशैली से अपना नाम रेखा में कुछ ग्रोथ बढ़ा दी है और मैं अब सक्षम हो गया हूँ। गरीब नहीं हूँ अब मैं, इसलिए मैं अपनी गरीबी रेखा से नाम कटवाना चाहता हूँ। मैंने काम मैं अब सही हूँ, सक्षम हूँ, मेरी इकोनॉमिक सही हो गई है और मैं गरीब रेखा में नहीं आता, इसलिए मैं अपनी मर्जी से गरीब रेखा से नाम कटवाना चाहता हूँ। आज जनसुनवाई में एक अनोखी तरह की ठगी किए जाने का मामला सामने आया। बिना खेड़ी निवासी एक गरीब परिवार, जिसे पास में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति ने पिता के मर जाने पर सरकारी मुआवजा दिलाए जाने की बात कहकर उसका अंगूठा कुछ कागजों पर लगवा लिया, जिसके बाद उसे 5,000 रुपये मुआवजे के नाम पर दे दिए गए। बाद में जब पता चला कि उन्होंने मुआवजे के नहीं जबकि अपनी जमीन बेचने के पैसे मिले हैं, तो उस गरीब किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उक्त गरीब किसान न्याय की गुहार लगाने के लिए जनसुनवाई में पहुंचा। कहाँ से आए हो आप? विनायक खेड़ी। क्या क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या जमीन को लेकर के सर। कैसी है? हमारी जमीन को धोखाधड़ी से बेचा रहा है। कौन? जो कि श्रीलाल धाकड़, जो विनायक खेड़ी में हमारे पास ही रहता है। उन्होंने कहा कि चलो कि तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए संतुष्टि के लिए, तुम्हारे लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे। हम तो मजदूरी के लिए निकल जाते हैं,
तो हमारी माता को लेके और छोटे भाई को लेके चले गए। अंगूठा लगवा के दस्तखत करा 5,000 रुपये दे दिए। बाद में क्या 11 तारीख को जो सीमांकन हुआ तो बाद में पता चला कि तुझे तुम्हारी जमीन तो बिक चुकी है, हमने जमीन खरीद ली है, लेकिन हमें उसके बारे में कोई पता नहीं। कितने बीघा जमीन है? जी जमीन हमारी थी 0.4 करीबन 4.5 बीघा है। अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया, क्या बोला उन्होंने? अभी तो माता जी लाइन पर लग रही हैं, नंबर आया नहीं उनका। उसकी कीमत क्या होगी जमीन की? कीमत तो हमारे लिए सब मालूम नहीं है। अंदाजा क्योंकि हमने कभी जमीन बेची नहीं है, इसके लिए हम अंदाजा नहीं लगा। कौन से गाँव से आए? जी बिल्कुल। आज एक बार फिर जनसुनवाई में सुलोचना पारदी के नेतृत्व में पारदी महिलाएं कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंची। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व आपसी गोलाबारी में शहजादी पारदी मारा गया था, जिसके बाद उसके परिजन शहजादी पारदी की अस्थि कलश लेकर कलेक्टर से आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर पहुंचे। आज गुना में क्रिकेट सीरीज का हुआ शुभारंभ। उद्घाटन के मौके पर पहला मैच पत्रकार 11 और बालाजी क्लब के बीच खेला गया। पत्रकारों ने 12 ओवर में 98 रन ही बनाए, वहीं बालाजी क्लब ने 7 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 99 रन बनाकर मैच को जीत लिया। इस मैच के दौरान सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन भी किया। पांच ओवर में 53 रन को स्कोर, आगे बढ़कर बहुत शानदार स्कोर आगे बढ़ाते हुए
बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए भाई बालाजी क्रिकेट में शानदार ये टूर्नामेंट। मैं स्पेल्डिंग वहां पर विक्की भाई से और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। कुल स्कोर आगे बढ़कर बहुत करीब अपनी मंजिल के अब यह कहा जाएगा बालाजी क्रिकेट एकेडमी। प्रशांत बहुत अच्छे धैर्य के साथ में एकाग्रता संकल्प बहुत अच्छा वहां पर मेहनत के साथ में लगन शानदार बल्लेबाजी करते हुए बहुत बढ़िया। ये देखिए फुल टॉस डिलीवरी बिल्कुल इंदौर की पारी की याद दिला रहा है 2-3-5 विराट कोहली लास्ट ईयर इंदौर दोहरा शतक दोहरा शतकों का कहूंगे शतकों का बादशाह न्यू मॉडर्न कोहली रन मशीन कोहली बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहा है प्रशांत। और शानदार बल्लेबाजी पूरी तरीके से डिफेंस करते हुए परेशान डीजियाना न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।